और महागठबंधन महामजबूत है। कई लोग बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं, बयान देने के लिए ही आतुर रहते हैं। ऑल इज वेल है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस पे जिस तरह से बयान दिए हैं, बिहार के साथ साथ देश की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में कड़ाके की ठंड है लेकिन गर्माहट अभी भी तेज है। जिस तरह से जदयू के अब नेता विधायक तमाम लोग उनके ऊपर बयान दे रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से जदयू भी अब जो है बीजेपी की तरह वो कह रहे हैं, उन ये तो अब तो जो विधायक हैं जदयू को संजीव कुमार वो कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है ये सब चीज़ों का कोई हम नोटिस नहीं लेते हैं। ये अब जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा, इसे हमारा क्या लेना देना। हम इतना जानते हैं कि नीतीश तेजस्वी की सरकार मजबूती से बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और महागठबंधन महामजबूत है, और हमारे विरोधी चाहते हैं असली मुद्दे से ध्यान भटका करके बकवास के मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर बहस हो, बवाल हो, इस सब में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। किसी को नहीं फंसना चाहिए, किसी को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर महागठबंधन कह रहे हैं कि आप मजबूत है तो इस तरह का बयान जदयू क्यों दे रही है? वही लोग बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं, बयान देने के लिए ही आतुर रहते हैं। तो ये तो पार्टी का नेतृत्व ये सारी चीज़ों पर संज्ञान लेता है। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप जो है शिक्षा मंत्री को जो है धर्म ही बदल लेना चाहिए, ये सब बयानों का क्या प्रतिक्रिया दिया जाए? बेवजह का प्रतिक्रिया दे करके बवाल खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। ये जेडीयू के नेतृत्व के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं, वो इस पर देखेंगे, इस पर करेंगे। अब कोई कुछ बोलता है तो सारी चीज़ों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। कल तक बीजेपी दे रही थी लेकिन अब जदयू भी दे रही है इस तरह की प्रतिक्रिया। देखिए कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है, महागठबंधन महामजबूत है, ऑल इज वेल है, इससे इतर कुछ नहीं। जी जरूर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन ऑल इज वेल है, और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं जदयू इन तमाम मामलों को लेकर के संज्ञान लेगी लेकिन महागठबंधन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इस वजह से बयान दे रहे हैं महागठबंधन ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें ऑल इज वेल है। बात करें जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया था, बीजेपी तो हमलावर थी ही लेकिन अब जदयू भी इसको लेकर के हमलावर है, और वो कह रही है कि जदयू प्रोफेसर चंद्रशेखर का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें जो है अब धर्म भी बदल लेना चाहिए। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें जो है जो बोल रहे हैं उसको लेकर के कि जदयू सक्षम है और वो इन तमाम मामलों को लेकर के संज्ञान लेगी, लेकिन जदयू के जो नेता हैं मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं इसको लेकर के, और कह रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें धर्म बदल लेना चाहिए। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।